हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके फूड कुकिंग, स्वाद का राज। तो आज हम बनाएंगे एकदम अलग हटके आलू की सब्ज़ी। तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पर उससे तो बनाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि मेरे ऑल वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास मीडियम साइज़ के आलू थे, मैंने इनका छिलका उतार के इनको साफ़ कर लिया है। तो इनको अब साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम आलू में डालने के लिए एक स्पाइसी से टेस्टी सी चटनी तैयार करेंगे। ये फ्रेश धनिया है, ये दो मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मैंने इनको भी कट करके डाल दिया है। और ये चार सूखी मिर्चें, इनको भी डाल देंगे। ये चार कली लहसुन की हैं, आधा चम्मच नमक क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा बनाएंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया डालेंगे वरना ये कलर चेंज कर देगा। तो अब इस सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सी प्यूरी बना लेंगे। तो अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और जो आलू मैंने कट करके रखे थे इनको मैं डार्क गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। तो आलू फ्राई हो चुके हैं और देखिए ये बिल्कुल अंदर तक गल चुके हैं। इसी तरह से आलू को फ्राई करना है। अब एक बाउल में जो हमने चटनी बना कर रखी थी उसको इसमें डाल देंगे, और जो आलू फ्राई करके रखे थे इनको भी इसमें डाल देंगे। अब प्याज डालेंगे बहुत थोड़ा सा, टमाटर डालेंगे, ऊपर से ग्रीन चिली हैं तो ये कट करके रखे थे इनको भी डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी चटनी में डाल कर रखा है। थोड़ी सी लाल मिर्च और ये लास्ट में गरम मसाला। अब हाफ नींबू डालेंगे, थोड़े से खट्टी बनेगी तो अच्छे लगेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बनकर तैयार हो चुकी है एकदम स्पाइसी से टेस्टी से आलू की सब्ज़ी। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप इसको आलू की चाट भी कह सकते हैं, और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर ऐसे खा सकते हैं, पर रोटी के साथ खाइएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ऊपर से थोड़े से प्याज टमाटर हरी मिर्च और डाल देंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी कैसे लगी। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे ऐसे ही और टेस्टी टेस्टी वीडियो तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।